हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर डेली डोज सीरीज। यार, आज हम एक अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली एक बाई क्वाड्रेटिक के और कुछ कुछ उसके कोएफिशिएंट से हमें एरिया वेरिया के बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट फेसिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट एस इज द सेट ऑफ पॉइंट ए कमा बी। ठीक है, विद ए और बी पे एक कंडीशन दी हुई है कि जो ए और बी है वो दोनों आपके 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये, सच दैट द इक्वेशन, अभी एक बाई क्वाड्रेटिक दी हुई हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, डिटरमिन द एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ एस। ठीक है, तो है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखकर घबरा जाते हैं यार। पहले तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में एक रियल रूट होगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सा कंसेप्ट होता है जिनको आता है ना। फिर फर्दर लगता है कि ए और बी के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और एरिया ऑफ द ग्राफ एस, ये एस ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले ना हम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए कोमा बी। तो ए कोमा बी के कुछ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एस उन सभी पॉइंट्स का एक सेट है और फाइनली हमें एरिया उन्हीं पॉइंट्स का निकालना है। ठीक है, अब ये ए कोमा बी क्या है? ए कोमा बी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब लेट से, मतलब अगर हम अगर लॉजिकली सोचें, लेट से यहां पर ए प्लॉट कर रहा हूं मैं, यहां पर बी प्लॉट कर रहा हूं, ए कोमा बी दोनों 0 से 1 के बीच में है, तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू 0 से 1, बी की वैल्यू 0 से 1, अल्टीमेटली इस एरिया का कुछ सब पार्ट होगा आंसर। ठीक है, ये एरिया क्या हो गया? 1 स्क्वायर बन रहा है ना, तो आंसर विल बी क्लियरली लेस देन 1। पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए ये क्वेश्चन का मतलब है। अब इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, मतलब बेसिकली कि एक ये बाई क्वाड्रेटिक जो है इसका कोई एक रूट होगा, एटलीस्ट एक रियल रूट हो, वो किसी ना किसी ए और बी की वैल्यूज पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हमें वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालनी है जिसकी वजह से इसका एटलीस्ट एक रियल रूट आए। ठीक है, जैसे ही हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी, उसका हम 0 से 1 में पोर्शन ले लेंगे, जो भी पोर्शन है, मे बी कुछ भी पोर्शन आ सकता है। लेट्स अज्यूम कुछ ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यूज हुई सच दैट ये वाला पोर्शन आ रहा है, ए और बी जब इसमें आ रहा है तो एरिया, मतलब तब बेसिकली इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रियल रूट होगा। वो अब हमें सॉल्व करके पता लगेगा कि ए और बी पे क्या कॉन्स्टेंट आते हैं, फाइनली हमें वो एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बेसिकली मतलब है। अब समझते हैं क्वेश्चन को आराम से। पहले तो इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन में कुछ खास है क्या? अगर ढंग से देखोगे, एक्स क्यूब का भी कॉन्स्टेंट ए है, एक्स का कॉन्स्टेंट भी ए है। जनरली इस टाइप की क्वेश्चन में हम क्या करते होते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब है एक्स 0 नहीं हो सकता, वो क्लियरली एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करा रहा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना इज अ सेफ ऑप्शन। एक्स स्क्वायर से अपन सेफली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूँ, ठीक है, तो ये बनता है ए टाइम्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स, राइट? एंड इन दोनों को मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिखूं तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा 2 आता है या नहीं आता है ना, एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, उस 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हमें माइनस बी माइनस 2 करना पड़ेगा। यहां तक होपफुली यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अब यहां पर एक काम की चीज मिल रही है कि अगर मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स को टी मान लेता हूँ तो मैं एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊंगा, है ना। तो ये बन जाता है टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस ऑफ बी प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी अब एक क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक टाइप की चीज दिख रही है। अब इसको मैंने टी माना है तो मॉड ऑफ टी, बेसिकली आपको पता होगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स या तो 2 या 2 से बड़ा होता है या -2 या -2 से छोटा होता है। एंड इनफेक्ट अगर मैं आपको एक्स प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाऊं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, रफ ग्राफ बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये वैल्यू 1 पर आती है, दिस इज 2, एंड ये वाली वैल्यू -1 पर आती है, दिस इज -2। ठीक है, एएमजीएम से भी आप प्रूव कर सकते हो। तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स 2 या 2 से बड़ा होता है, -2 या -2 से छोटा होता है, और यू कैन से मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें इसके दो रूट्स बनेंगे ना, इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। टी की वैल्यू बनती है माइनस ए
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4ac, और यू कैन से 4b प्लस 2 होल अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें एक रूट तो बनता है नेगेटिव वाला और एक बनता है मतलब बेसिकली प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। एक बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस ए माइनस ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8 होल अपॉन 2। ठीक है, और एक बनता है माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, क्लियरली अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रूट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बिकॉज इसमें समथिंग ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, ये ध्यान रहे, एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव ऐड हो रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जा रही है एक पॉजिटिव से। तो इसका नेट मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस माइनस साइन को भूल जाऊं, तो नेट मैग्नीट्यूड इसका फर्स्ट वाले का बड़ा होगा। ठीक है, अब हमें मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए था, और इस इक्वेशन का बेसिकली एटलीस्ट एक रियल रूट होना चाहिए था। तो मुझे ये रिक्वायर्ड ही नहीं है कि ये दोनों चीजें 2a 2 से बड़ी हो, अगर कोई एक चीज भी 2 से बड़ी हो जाती है, ठीक है, 2a 2 से बड़ी हो जाती है, तब भी मेरा काम चल जाएगा। अब देखो, अगर मैं छोटे वाली चीज को 2a 2 से बड़ा करता हूँ तो ऑब्वियसली फिर ये वाले मैग्नीट्यूड तो 2 से बड़ा होगा ही, तो मैंने दोनों ही 2 से बड़े कर दिए। मैं सिर्फ इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि यही मेरी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, इसका मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8 होल अपॉन 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ऐसा करने से मुझे एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। हाँ, हो सकता है ये भी 2 से बड़ा हो जाए तो बढ़िया, मेरे को फिर एक से ज्यादा रियल रूट मिल जाएंगे, बट मुझे एटलीस्ट एक रियल रूट चाहिए था, वो तो यहाँ पर फुलफिल हो ही रहा है ना। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8, राइट, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस 8। ये समझ में आ रहा होगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a को राइट हैंड साइड पर ले गए, स्क्वायर करते हैं तो, और देखो स्क्वायरिंग तब अलाउड है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, है ना। यहाँ पर मेरा a 0 से 1 के बीच में ही जा सकता है, तो 4 माइनस a इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पर भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, लेट स्क्वायर इट अप, तो दिस लेफ्ट हैंड साइड पर बनता है ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 8, राइट हैंड साइड पर बनेगा 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a, ए स्क्वायर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये कहानी क्या बन रही है, 4 से डिवाइड कर दो तो बी प्लस 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। ठीक है, बस अब यही इक्वेशन काम की है, बी प्लस 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, बी प्लस 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब इसको ना ट्रीट इट लाइक एक्स एंड वाई, मतलब लेट से यहाँ पर मैं ए प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वाई बी प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा हमने पहले बताया था, अपने जो काम का पोर्शन है वो इतना सा पोर्शन है, जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है, बी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, इसी पोर्शन में हमें ये सेट देखना होगा कहाँ पर जा रहा है। नाउ लेट्स कंसिडर दिस एज वाई प्लस 2x इक्वल टू 2, इस लाइन को कंसिडर करते हैं। जब एक्स को 1 डाल रहा हूँ, वाई की वैल्यू 0, यानी इस पॉइंट से पास करेगी। जब y को 1 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हाफ। ठीक है, तो हाफ कोमा 1, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो कैन आई से जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, क्लियर, ये जो लाइन है इक्वल टू 2 के लिए ये लाइन होगी, बट हमें को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए, तो इस लाइन का सारा इधर वाला पोर्शन ग्राफ में आएगा। ठीक है, और आई कैन से मैं रेड से मैप कर देता हूँ, जो मेरा स्क्वायर के साथ इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, इतना सा पोर्शन मेरा ग्राफ का है। अब ए कोमा भी अगर इस पोर्शन में लाई करते हैं, देन इस इक्वेशन का एक एटलीस्ट एक रियल रूट होगा। ठीक है, ये कहानी होपफुली आपको समझ में आनी चाहिए कि ये अब यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस रेड एरिया, दिस इज क्लियरली अ ट्राइंगल, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है क्लियरली हाफ, हाइट है क्लियरली 1, तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट विच इज 1/4, तो आंसर विल बी क्लियरली 1/4। ठीक है, अब यार देखो भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज नॉट लाइक कि एक ईजी क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन था, एंड ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, मतलब IUQM की अगर हम बात करें, IUQM में ये एटलीस्ट 3 मार्क्स का आना चाहिए, 3 मार्क्स में काफी टफ काउंट होगा, 5 मार्क्स का भी बन सकता है ये। ठीक है, एंड JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, UGA में अगर ये आते तो UGA में एक अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, राइट।
तो ISI में अगर ये यूजीए में आते तो यूजीए में अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, डेफिनेटली इसका लेवल यूजीए यूजीए प्लस है। ठीक है, यूजीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर साइड पे क्वेश्चन है, बट यस यूजीए में ये एक अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा। यार अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस और करना चाहते हो, या अगर आप ISI के लिए या CMI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई देयर इज अ बैच जो हमने 10th of July को स्टार्ट किया था। ठीक है, एक दो क्लासेस उसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, ये बैच स्पेसिफिकली वो मैथ्स के एस्पिरेंट्स के लिए जो ISI या UGA ISI या CMI में कुछ भी रिसर्च फील्ड में फर्दर जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, राइट। तो ये बैच 10th of July से स्टार्ट हो चुके हैं। दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस बैच। 80+ लाइव लेक्चर्स हैं, बैचेस ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 days a week बैच है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स 17 UGA टेस्ट होंगे, 5 UGB टेस्ट होंगे, एंड देयर विल बी सम डेली असाइनमेंट्स, राइट। डेली आपको आपके वेदांत पोर्टल पर असाइनमेंट मिलेंगी, जिसके ऑब्वियसली सॉल्यूशंस भी रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दोज असाइनमेंट, लेट्स से आप कोई और बुक कर रहे हो, आपको उसमें डाउट्स आ रहे हैं, तो ओवर द टेलीग्राम वी विल सॉल्व दोज डाउट्स, राइट। बैच आइडली क्लास 12th एंड 13th के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दीज आर द स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होते हैं। बट यस इवन इफ स्टिल यू आर इन 10th और 11th एंड यू आर टारगेटिंग फॉर ISI, देन अगेन दिस बैच इज फॉर यू। टाइमिंग फॉर द क्लास इज फ्रॉम 3 PM टू 4:30 PM, बट अगर अगेन इस टाइम पीरियड में आप क्लास नहीं लगा पा रहे, लेट्स से आपके स्कूल के साथ टाइम क्लैश कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर दिन आप क्लास नहीं लगा पा रहे हो, देन यू कैन ऑब्वियसली वॉच द रीप्ले ऑल्सो, राइट। तो जो भी क्लास नोट्स हैं उनके PDF एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे, राइट। एंड द प्राइस फॉर दिस बैच इज 13,000, बट यस बाय अप्लाइंग कूपन कोड ऑफ CGPRO यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। बैच में कैसे एनरोल करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू विल बी ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इन द बैच, राइट। एक दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, वो क्लासेस आप रिप्ले देख सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हो, राइट। तो आई होप एटलीस्ट आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला है ना, एंड अच्छा लगा होगा, होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। एंड अभी दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अ न्यू विद अ डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।